तो हेलो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं? दो नाम आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। उन्होंने 2000, 2002, 2003, 2007, 2011, 2014 और 2017 में आईसीसी का फाइनल खेला है। भारतीय टीम के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी एमएस धोनी हैं। उन्होंने साल 2007, 2011, 2014, 2013 और 2017 के फाइनल में खेला है। विराट कोहली अब तक भारत के लिए 5 बार आईसीसी फाइनल खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2011 में पहली बार फाइनल खेला था। इसके बाद 2014, 2013, 2017 और 2021 का भी फाइनल खेला है। रोहित शर्मा भी कोहली के बराबरी पर हैं। उन्होंने साल 2007 में पहली बार आईसीसी का फाइनल खेला था। इसके बाद 2013, 2014, 2017 और 2021 में भी आईसीसी का फाइनल खेला है। सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर के दौरान 4 आईसीसी फाइनल खेले हैं। उन्होंने साल 2000, 2002, 2003 और 2011 का फाइनल खेला है, जो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट थे। रविंद्र जडेजा अब तक 4 बार आईसीसी के फाइनल खेल चुके हैं। वे साल 2014, 2013, 2017 और इसके बाद 2021 में भी आईसीसी का फाइनल खेल चुके हैं। रविचंद्र अश्विन अब तक 4 बार आईसीसी के फाइनल खेल चुके हैं। उन्होंने 2013, 2014, 2017 और इसके बाद आखिरी बार 2021 का फाइनल खेला है। हरभजन सिंह के नाम अब तक आईसीसी के 4 फाइनल हैं। उन्होंने 2002, 2003, 2007 और 2011 में आईसीसी के फाइनल खेले हैं। जहीर खान के नाम अपने कैरियर में 4 बार आईसीसी के फाइनल खेलने का नाम है। उन्होंने 2000, 2002, 2003 और इसके बाद 2011 में टीम इंडिया के लिए आईसीसी के फाइनल खेले हैं। तो दोस्तों, ये थे वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल खेले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।